नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले IPL टूर्नामेंट के पांचवें T20 मुकाबले के बारे में, जो कि आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और गाइज, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा, जिससे कि आपको अपनी खुद की टीम बनाने में काफी हद तक हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दूं, जिसका नाम है माई टीम इलेवन, जो कि ड्रीम इलेवन के बाद दूसरी सबसे बड़ी फैंटेसी एप्लीकेशन है। 200% जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, नो फ्रॉड नो चीट। आपके विनिंग अमाउंट के विड्रॉवल से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और गाइज, माई टीम इलेवन पर आपको IPL में 1 करोड़ का लीडरबोर्ड देखने को मिलेगा, जिस लीडरबोर्ड से आप लोग हैं वो लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको अपनी खुद की टीम बनाने में काफी हद तक है वो हेल्प मिलेगी। सो गाइज, हम यहां पर बात कर रहे हैं IPL के पांचवें T20 मुकाबले के बारे में, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा आज शाम 7:30 बजे से। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनल अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे 40,000 के पास है वो हमारे मेंबर हो चुके हैं, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। बिकॉज टेलीग्राम पे है वो आपको सभी फाइनल अपडेट देखने को मिलेगी, जैसे कि प्लेइंग इलेवन हो गया, या फिर कौन सी टीम से कौन सा प्लेयर है वो बाहर हो रहा है, कौन सी टीम से कौन सा प्लेयर है जो कि प्लेइंग इलेवन में शामिल हो रहा है, फाइनल ड्रीम इलेवन टीम, ये सब कुछ है वो आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेन्यू को लेकर। देखिए, जहां पर पहला मैच खेला गया था आबू धाबी, वहीं पर यहां पर ये पांचवा T20 मैच खेला जाने वाला है। अब आबू धाबी की पिच कंडीशन को लेकर अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी स्लो पिच है, हालांकि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतनी हमको है वो पहले मैच में देखने को नहीं मिली थी। क्विंटन डिको के काफी जो बॉल है वो बैट पे आ रहा था, लेकिन स्लो पिच है और यहां पर आपको सेकेंड इनिंग्स में है वो ड्यू देखने को मिल सकती है, यानी कि जब सेकेंड इनिंग्स शुरुआत होगी तो वहां पर आपको ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। और जो भी यहां पर कैप्टन है वो टॉस विन करेगा, वो यहां पर चेस करने का फैसला लेगा, यानी कि बॉलिंग करने का फैसला ले सकता है, क्योंकि चेजिंग में भी यहां पर जो टीम चेजिंग करती है उसको जीतने में काफी हेल्प मिलती है। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं, 145 रन का एवरेज स्कोर है। दोनों ही टीमों में हिटर्स हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी टीम पहले बैटिंग करेगा 160-170 रन का स्कोर है वो देखने को मिल सकता है। बिकॉज दोनों टीमों में आपको बढ़िया प्लेयर्स मिलेंगे जो हिटिंग कर सकते हैं और रन्स कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इस मैदान पर टीम बैट फर्स्ट वन 25 मैचेस, जिस टीम ने पहले बैटिंग की 25% मैचेस जीती है, और जिस टीम ने यहां पर चेस किया उसने 75% मैचेस को विन किया है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो भी कैप्टन यहां पे टॉस विन करेगा वो बॉलिंग करने का फैसला ले सकता है। अब हम लोग बात करते हैं दोनों टीमों के एच टू एच मुकाबलों के बारे में, जो कि IPL 2019 में खेले गए हैं। देखिए, मैच नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 232 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और इस टारगेट को मुंबई ने चेस नहीं कर सका और 198 रन बना पाया 7 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर जो टॉप बैट्समैन में यहाँ पर है शुभमन गिल रहे, आंड्रे रसल रहे जिन्होंने 80 रन किए, शुभमन गिल ने है वो 76 रन किए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हार्दिक पांड्या ने है वो 91 रन बनाए मुंबई इंडियंस के लिए। यहाँ पर रसल ने है वो काफी शानदार बैटिंग की थी। टॉप बॉलर्स की बात करते हैं, टॉप बॉलर्स में सुनील नारायण ने 2 विकेट निकाले,
हैरी गर्नी ने 2 विकेट निकाले और आंड्रे रसल ने यहां पर 2 विकेट्स भी निकाले। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आंड्रे रसल है वो बॉलिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, बिकॉज सीपीएल में थोड़ा सा इंजर्ड थे और आपने देखा कि लास्ट के मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी। मैच नंबर सेकंड की बात करते हैं, मैच नंबर सेकंड की बात करें तो केकेआर बैटिंग करते हुए केवल 133 रन बनाए 7 विकेट पर और मुंबई इंडियंस ने इस टारगेट को है वो 1 विकेट खोकर है वो आसानी से चेस कर लिया। यहां पर जो टॉप बैट्समैन रहे, यहां पर टॉप बैट्समैन रहे क्रिस लिन, टॉप बैट्समैन में रहे रॉबिन उथप्पा ने 40 रन किए, क्रिस लिन ने 40 रन किए, डिकोक ने 30 रन किए, रोहित शर्मा ने 55 रन किए और सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 46 रन किए। अब इस मैच में जो टॉप बॉलर्स रहे उनमें यहां पर रहे जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट निकाले और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट निकाले, इस चीज को आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, यानी कि दोनों टीमों के 6 ओवर्स के पावर प्ले के बारे में कि दोनों टीमों का जो 6 ओवर्स का पावर प्ले है वो यहां पर कैसा रहा था, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मैच में जहां पर कोलकाता ने 232 रन बनाए थे तो यहां पर है पावर प्ले में इन्होंने एक भी विकेट नहीं गवाया था, आप देख सकते हैं 9 विकेट इन पावर प्ले। लेकिन सेकंड मैच में इन्होंने 49 रन पर अपना 1 विकेट गवा दिया था। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस यहां पर आप देख सकते हैं 41 रन पर 3 विकेट गवाए थे 6 ओवर्स में और 46 रन पर दूसरे मैच में 1 विकेट गवाया था 6 ओवर्स में, यानी कि 3-4 इनिंग्स खेली गई दोनों टीमों की और 4 इनिंग्स में 3 इनिंग्स जो हुई वहां पर पावर प्ले में विकेट्स गिरे हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग नोट करके रखेंगे, बिकॉज आप जिन दो जैसे कि रोहित शर्मा और क्वेंटन डिकोक है, मैंने आपको पहले मैच के दौरान भी बोला था कि दोनों में से एक को भी कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा, लेकिन पावर प्ले का जो स्टेटस है वो बोल रहा है कि पावर प्ले में विकेट गिरेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप टीम बनाएंगे तो शायद आपको फायदा मिल सके। और आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा वहां पर आउट हुए थे, रोहित शर्मा है वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि पावर प्ले में आउट होंगे ही, मैं जो स्टेटस बोल रहा है कि 4 इनिंग्स है दोनों टीमों की और 4 इनिंग्स में से 3 इनिंग्स में यहां पर आप देख सकते हैं कि विकेट्स गिरा है और वही मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल को लेकर। देखिए प्लेयर्स बैटल की बात करें तो सुनील नारायण और क्वेंटन डिकोक का यहां पर है वो बैटल आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो क्वेंटन डिकोक है वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले में है, पावर प्ले में है वो सुनील नारायण है, वो गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं तो वहां पर आपको ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं कृणाल पांड्या की, देखिए कृणाल पांड्या और दिनेश कार्तिक ये आपको देखने को मिल सकता है बैटल, जहां पर दिनेश कार्तिक दाएं हाथ से खेलते हैं, कृणाल पांड्या बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। यहां पर कृणाल पांड्या ने है वो 17 बॉल की है अभी तक, जो दिनेश कार्तिक है उनको दिनेश कार्तिक ने 17 बॉल में केवल 12 रन किए हैं और एक बार इनका विकेट भी कृणाल पांड्या ने लिया है, तो काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, काफी बढ़िया ये डेटा मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज मेंशन की है। अब हम लोग बात करते हैं केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सुनील नारायण की। सुनील नारायण आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जैसा कि हमने हर बार देखा है कि ये सभी टीमों के लिए है वो ओपनिंग करने के लिए आते हैं। टोटल 12 मैच खेल चुके हैं पिछले आईपीएल में, 144 रन बनाए हैं और 10 विकेट इन्होंने पिछले आईपीएल में लिए हैं। यहां पर आपको सबका डेटा मिल जाएगा। शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, 14 मैच में 296 रन है इन्होंने बनाए हैं। उसके बाद नीतीश राणा की बात करें तो नीतीश राणा ने यहां पर आप देख सकते हैं 14 मैच में यहां पर 344 रन किए हैं, यानी कि मुझे लगता है शुभमन गिल से इन्होंने है वो बढ़िया बैटिंग की है पिछले आईपीएल में, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। 14 मैच इन्होंने खेले हैं 296 और 344। उसके बाद हम बात करते हैं इयान मॉर्गन की। देखिए इयान मॉर्गन आपके लिए बढ़िया पिक हो सकते हैं और मिडल ऑर्डर को संभाल सकते हैं और काफी बढ़िया हिटिंग भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप अपने ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे ना तो आपको क्रेडिट पॉइंट का इश्यू होगा, रिस्की मैच होगा आपके लिए, क्रेडिट पॉइंट का इश्यू जिस मैच में होगा वो मैच रिस्की होगा। इसीलिए बोलता हूं कि जो मैचेस रिस्की होते हैं उसको हम जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके से वो नहीं हो पाते हैं और इसीलिए रिस्की मैचेस में है वो थोड़ा सा डावाडोल हो जाता है हमारा प्रेडिक्शन।
अब हम लोग बात करते हैं दिनेश कार्तिक की, तो दिनेश कार्तिक ने 14 मैच में 253 रन किए हैं अपनी टीम के लिए। उसके बाद आंड्रे रसल की बात करते हैं, तो आंड्रे रसल ने यहां पर 14 मैच में 510 रन भी किए हैं और 11 विकेट्स भी निकाले हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा कि आंड्रे रसल बॉलिंग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करें, तो रिंकू सिंह ने यहां पर 5 मैचेस में 37 रन किए हैं, कोई इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है। कमलेश नागारकोटा आपके लिए एक बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं, काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और इनके बारे में मैं आपको कुछ बताने भी वाला हूं। पैट कमिंस आपके लिए बढ़िया पिक हो सकते हैं। कुलदीप यादव ने है वो 9 मैचेस खेले हैं और 4 विकेट निकाले हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा है जो कि आपको यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब गाइस यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। देखिए यहां पर मैंने बीच में मेंशन भी किया है ताकि मुझको याद रहे, बिकॉज मैं कई कई बार है वो वीडियो के दौरान कुछ चीजों को है वो भूल जाता हूं। देखिए डेथ बॉलिंग वीकनेस, यानी कि जो डेथ में गेंदबाजी करनी है वहां पर इनके पास है वो काफी वीकनेस है, स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। देखिए अगर हम लोग डेथ में बात करें, तो डेथ में एक तो प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर सकते हैं, बिकॉज पिछले आईपीएल में भी हमने डेथ में बॉलिंग करते हुए देखा है। लेकिन अब पैट कमिंस है जो कि डेथ में इतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं करते हैं, बिकॉज इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी नीचे है, जिसकी वजह से ये ना तो है वो स्लॉट में यहाँ पर है वो यॉर्कर गेंदबाजी कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी महंगे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो पैट कमिंस है वो डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, आपने ये चीज देखी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहां पर डेथ में बॉलिंग करेगा कौन। यहां पर आंड्रे रसल है, देखिए मुझे लगता है कि आंड्रे रसल अगर बॉलिंग करते हैं तो डेथ में आपको आंड्रे रसल और जो प्रसिद्ध कृष्णा है वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आंड्रे रसल इंजर्ड हैं, वो खेलते हैं तो बैटिंग करने के लिए तो ऊपर आ सकते हैं, लेकिन बॉलिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये थोड़ा सा देखने लायक रहेगा। अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर यहां पर थोड़ा सा यहां पर कोलकाता के लिए दिक्कतें होने वाली है कि आखिर बॉलिंग करेगा कौन डेथ में, क्योंकि इनके पास है केवल प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप यादव है जो कि बढ़िया बॉलर है लेकिन ये स्पिनर है। तो यहां पर मुझे लगता है कि सुनील नारायण के साथ है वो जा सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल्स के ओवर में, डेथ के ओवर में, और यहां पर पावर प्ले में भी इनको ओवर्स दिया जा सकता है। तो इस चीज को भी आप लोग है वो नोट करके ही रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, देखिए हम बात कर रहे हैं कमलेश नागारकोटी की। दोस्तों कमलेश नागारकोटी वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ अंडर 19। जी हाँ, कमलेश नागारकोटी है वो अंडर 19 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से ये इंजर्ड था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं इनको भूल चुके हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इनका आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इनका रिकॉर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शानदार रिकॉर्ड इनका रहा है। तो इस रिकॉर्ड को भी आप देख सकते हैं कि जो नागारकोटी है वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, वो काफी आज कुछ है वो कर सकते हैं, काफी शानदार बॉलिंग भी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। देखिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं, प्रोबेबल प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से, जिन्होंने पिछले मैच में केवल 12 रन किए। डिकॉक ने 33 रन किए खेलते दिखेंगे। सूर्य कुमार यादव ने 17 रन किए। सौरभ तिवारी ने 42 रन किए। अब यहाँ पर ऊपर के जो 3 बैट्समैन हैं उनमें से केवल एक बैट्समैन ने 30 प्लस रन किया है, बाकी 2 है जो कि 20 रन भी बना नहीं पाए। सौरभ तिवारी ने उस मैच में है वो 42 रन किए। अब आपको एक चीज मेंशन कर दूं कि सौरभ तिवारी ने 42 रन किए, इसका ये कदई मतलब नहीं होता है कि इस मैच में भी वो रन करेंगे। जैसा कि आपने बैंगलोर के मैच में देखा, पैडिकल ने है वो बढ़िया स्कोर किया अपनी टीम के खेल लिए खेलते हुए, अंडर 19 से आए थे या फिर कहीं से भी आए थे। अब कल का जो मैच हुआ राजस्थान का, वहां पर जो जयसवाल थे उनको सभी लोगों ने अपनी टीम में रख लिया, बिकॉज कि पैडिकल ने बढ़िया बैटिंग की थी। अरे पैडिकल ने बढ़िया बैटिंग की थी तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जयसवाल भी बढ़िया बैटिंग करेगा। तो आप इस तरीके से अपनी टीम बनाएंगे तो काफी आपको दिक्कतें होगी। यहां पर आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे। अब यहां पर हार्दिक पांड्या की मुझे एक बात यह गलत लगी कि इन्होंने बॉलिंग नहीं की। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए थोड़ा सा है वो कमजोर हो सकते हैं, बिकॉज जो बैटिंग भी करता है प्रॉपर बॉलिंग भी करता है तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए वो बढ़िया पिक रहता है। कैरन पोलार्ड यहाँ पे काफी नीचे खेलने के लिए आते हैं, पिछले मैच में 18 रन किए लेकिन आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। कृणाल पांड्या आपके लिए एक बढ़िया पिक हो सकते हैं, एक विकेट निकाला पिछले मैच में। जेम्स पैटिसन ने एक विकेट निकाला था और राहुल चहर ने भी एक विकेट निकाला था। यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है जो कि आपको खेलते हुए दिखेंगे, एक विकेट निकाला। जसप्रीत बुमराह जो कि डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनको एक भी विकेट नहीं मिला। देखिए अगर कोलकाता पहले बैटिंग करे तो जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में होना चाहिए, बिकॉज डेथ में बॉलिंग करेंगे। अगर बाद में
बैटिंग करे कोलकाता नाइट राइडर्स, तो मुझे लगता है कि आज आप जसप्रीत बुमराह को नहीं लेंगे तो भी मुझे लगता है कि आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट ग्रैंड लीग पिक के बारे में। तो बेस्ट ग्रैंड लीग पिक में शुभमन गिल है, सुनील नारायण है, सूर्य कुमार यादव है और राहुल त्रिपाठी को मैंने लिखा है। अगर खेलेंगे तो बढ़िया हो सकते हैं, बाकी आप राहुल त्रिपाठी की जगह है वो किसी और प्लेयर जैसे कि नीतीश राणा हो गए, उनको है वो ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये सब कुछ चीजें हैं मैंने आपको बताई है ताकि आपको अपनी टीम बनाने में है वो थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एक चीज आप लोग ये भी नोट करके रखेंगे कि कोलकाता का जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा सा वीक है, तो उसका फायदा मुंबई इंडियंस को मिल सकता है, इस चीज को भी आप लोग है वो नोट करके रखेंगे। अब चलिए हम अपने ड्रीम इलेवन पे चलते हैं और बात करते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर। यहां पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने है एक बार के लिए अपनी दो टीमें बनाई है, यानी कि दो टीमों में है वो कॉम्बिनेशन किया है। बहुत मुश्किल से यार टीमें बनेगी, आप एक बार देखते जाइएगा, इतना आपको क्रेडिट पॉइंट का इशू होगा कि आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है। और मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं, रिस्की मैच है, बहुत रिस्की मैच है। यहां पर मैंने ओपनर से है वो एक टीम में है वो क्वांटन डिको को बाहर रखा है और दिनेश कार्तिक को लिया है, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, शुभमन गिल, पांड्या नारायण रशल और यहां से मैंने पैटिंसन को, यहां पर मैंने कुलदीप यादव को और राहुल चहर को लिया है एक टीम में। अब दूसरी टीम में मैंने क्या चेंजेस किए हैं, देखिए दूसरी टीम में मैंने चेंजेस किए हैं कि यहां पर मैंने है पहली टीम में क्वांटन डिको को बाहर रखा है, दिनेश कार्तिक को लिया है और दूसरी टीम में आप देख सकते हैं कि मैंने है वो दिनेश कार्तिक को बाहर रखा है और क्वांटन डिको को अपनी टीम में लिया है और शुभमन गिल की जगह यहां पर मैंने इयान मॉर्गन को रखा है। पहली टीम में शुभमन गिल है और दूसरी टीम में इयान मॉर्गन है, बाकी टीम है वो आपके लिए बिल्कुल सेम रहेगी। आप देख सकते हैं केवल यहां पर मैंने नागरकोटी का यूज किया है, वो भी कुलदीप यादव की जगह, बाकी दोनों टीमें सेम है। बस मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जहां पर मुझे डाउट लगे थे और क्रेडिट पॉइंट का बहुत इश्यू बनेगा, आप जिसको लेना चाह रहे हैं उसको आप ले ही नहीं पाएंगे, तो काफी यहां पर दिक्कतें आपको होने वाली है जब आप अपनी टीम बनाएंगे। बाकी ये टीम है टॉस के हिसाब से वो थोड़े इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज टॉस के बाद है वो काफी कुछ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से है, वो कितना स्कोर बनेगा उसके अकॉर्डिंग भी हमें टीम बनानी पड़ती है। तो ये टीम रहेगी, बाकी कोई भी चेंजेस होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद।